सरकार हमने बना दी 56 इंची सरकार, अपने देश के जो विरोधी हैं उनके आगे नहीं है, नतमस्तक है, नक्सलियों के आगे नतमस्तक है सरकार, पाकिस्तानी हमले के आगे नतमस्तक है सरकार, जो कहती थी कि 1 के बदले 10 होगा, लेकिन 56 इंच कहां दिखाते हैं, किसानों के आगे दिखाते हैं। सारी लाठी, सारी बंदूक, बड़ी बड़ी तोप निकाल के राजधानी की सीमा पे लगा दी गई। जब उत्तर प्रदेश का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में थे, मैं बताना चाहता हूं, कोई दिल्ली जा रहे थे, उनकी मांग क्या थी, संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। राजस्थान का भी मुद्दा है कि नहीं, ये है कि नहीं, क्योंकि सुनने में आता है कि यहां तो सारा कर्ज माफ हो गया, हुआ किसान का कर्ज माफ, ऐसे नहीं सुनेंगे, बहुत मक्कार है, ऐसे कान आज बंद कर रखे हैं इन्होंने, रजाई के अंदर है, इनको जगाओ, जोर से बताओ, कर्ज माफ हुआ क्या? अब भी बात किसानों की मांग थी कर्ज माफ होना चाहिए, किसानों की मांग थी बिजली हमें जो है सस्ती दरों पे किसान को बिजली मिलनी चाहिए, ये भी राजस्थान की समस्या है, 10 साल लग जाते हैं यहां किसान को कलेक्शन नहीं मिलता, बिना घूस दिए कलेक्शन नहीं मिल रहा, तहसील में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता अगर जब तक आप किसी की हथेली को गर्म नहीं करोगे अफसर की, बताओ भ्रष्टाचार कम हुआ है बड़ा है, हर चीज का दाम है, हर चीज का दाम निर्धारित है राजस्थान में। इन मांगों को लेकर जब किसान जा रहे थे देश की राजधानी पे, मोदी जी की हिम्मत देखिए, मोदी जी के 56 इंच को देखिए कि एकदम पुलिस को आदेशित किया कि एक भी किसान घुसने मत देना, एक भी किसान राजघाट पर ना पहुंच जाए, एक भी किसान किसान घाट पर ना जाने देना, यहीं पे उनको खदेड़ लिया, यहीं पे उनको मार देना। कभी ऐसी सरकार देखी है आपने? वोट क्लब की चर्चा हो रही थी, यहां जितने लोग हैं मुझे लगता है इतने नौजवान हैं, आप लोग तो आपकी पैदाइश ही उस साल हुई होगी, मैं भी 78 में मेरा जन्म हुआ, 78 वो भी एक समय था बिना किसी साधन के, बिना किसी पुकार के एकदम देश भर का किसान वोट क्लब पे चला गया, जंतर मंतर पे किसान बैठते आए हैं, अपनी बात रखते आए हैं, सरकार झुकी है।